हाँ देखें पूजा गैसेट के प्रोप्राइटर राजेश यादव व्यास जी के देख रेख में यह कार्यक्रम में आप सबके बीच एक बड़ा ही सुंदर बिरहा, बिरहा के शीर्षक है गुरु के साथ चलनी के प्यार। चार लाइन कवि जी यह गाने की भूमिका लिख रहे हैं। कैसे जवानी का जलवा जवाने ने माना, सबलम को शोला बनाती जवानी। अरे जवानी का पानी जवानी ही रोके, मौके पे गर्दनी कटाती जवानी। जमाना न होता, अरे सीने से भाला चलाती जवानी। ओ जवानी दीवानी, अरे दीवाना बनी साधु संतों को पथ से बिगाती जवानी। बाबूजी यह जवानी क्या है? एक समुंदर है। कवि जी एक लाइन बिरहा जगत में कव्वाली का भाव लिखा था। कि दिखा दे, अरे दिखा दे या इलाही मदीना कैसी बस्ती है। जहाँ पे, अरे जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। यह जवानी क्या है? कभी का इशारा है कि जवानी, यह जवानी एक समुद्र है भरा अरमान सीने में। तो जवानी एक समुंदर है भरा अरमान सीने में, तो खुदा भी, अरे खुदा भी रोक ना पाया उठा तूफान सीने में। जवानी किसी के बस की बात नहीं। ए बाबूजी, ऐसा तूफान उठता है कि खुदा भी नहीं रोक पाता। नजम के लाइन में कहना है मास्टर, बसंत को भी गीत को भी गाती है।
ए बाबू, चार स्थान पे महाकुंभ प्रसिद्ध है। नासिक, उज्जैन, ये उज्जैन की कहानी है। ए बाबू, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, दुनिया में महातीर्थ स्नान चार ही स्थान पे लगता है। इन नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। बाबूजी, ये उज्जैन की कहानी है। शहर उज्जैन में एक साधु रहा करते थे, विश्वानंद सदा हरि का जाप करते थे। ए बाबू, विश्वानंद महाराज अखाड़ा के महंत हैं। कम से कम 1000 चेला कहना है। उनके चेलों में चेला एक सुखी दास रहा, थी नौजवानी मगर दिल का बड़ा साफ रहा। एक दिन सुखी दास कमंडल उठाए हैं, अपने चेला अब सोमपाल के घर आए हैं। उज्जैन मठ अखाड़ा के मालिक विश्वानंद महाराज, सबसे एक नंबर के चेला सुखीदास, चुप्पे चुप्पे सुखीदास अपन चेला बनाए रहे। एक दिन सुखीदास अखाड़ा मठ मालिक विश्वानंद महाराज से बोले कि गुरुजी, हम अपने चेलाने जाब। गुरुजी बोले, ठीक है चेला, तू जाओ, लेकिन एक काम करना, सुबह हमारे चरण के दर्शन करना। सुखीदास अपने चलाने चल दिए। कहां? सोमपाल के गांव। एक लाइन कभी के तर्ज लिखना पड़ा। तर्ज है कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चल आना प्रभु जी, चल आना। ए तो तर्ज है, लेकिन सुखीदास अपने चलाने जाते हैं। भक्ति भाव लेके, भक्ति भाव लेके हरि का नाम लेके रे चले आगे, जोगी जी चले आगे। साथ लेके बीड़ा हाथ लेके रे चले आगे, जोगी जी चले आगे। साथ लेके सुखीदास कमंडल गुनरी संसा लिए अपने चेला के गांव जा रहे हैं। कहां? सोमपाल के घर। ए बाबू, सोमपाल चट्टी भैंस खोल के चरावत हैं सेमार में। अब गुरु जी जात हैं, एक लाइन कवि को तर्ज लिखना पड़ा। ए कोनो दुल्हनी के दुल्हा नौकरी करत रहे, कहां भैया?
कोयला खदान में कहना है क्या। अरे कहे हमारे बलमुआ का पातरी कमर पलटनिया में जाए नहीं दे। लेकिन कहना का है कोनो दुल्हनी के दुल्हा नौकरी करत रहे फौज में, लेकिन दुल्ही का कहता कहे हमारे पलमुआ के पातर कमर पल दुनिया में जाए नहीं। भूखा लगे भौरी जो खिलैबे होटलिया में खाए नहीं। चेला सोमपाल अपने गुरु के देखे थे संसा उनसा लिए चला आवत है, भैंस छोड़ के बेचारा घर के जाता। कहना है कहे गुरु जी के अरे गुरु जी के देख झुम दुनहा परनिया चरनिया के दो मान लाल चरनिया दोनों प्राणी बाबा गुरु जी के चरण धोवत है और फूले के टाठी में चरण धोवत है। चरण धोई के गुरु जी के चरणा मित्रीय कुल घर में छिड़क दी। बाबा गुरुदाता गरीब कुटिया पधारे हैं ना, दोनों प्राणी मस्त चारों भैंस अपने आए गए दुआरे पे, गैया वो आए गई बांध हैं सकरा लगाई। बाबूजी कहना है क्या? अरे करा के जलपान अब करा के जलपान लाए अरे पावन लसनिया चरनिया के धो मन सोमपाल अपने दुल्हन गीता से कहते हैं कि रे एहरे ओहर देखबू कि गुरु जी के चल के भोजन बनाऊ, भोजन तैयार करा गुरु जी के भोग लगवावा। लेकिन दोस्त चलनिया गुरु का हाडी बॉडी देख के शरीर देख के ओकरे मन में पाप बसत। कहना एक लाइन कवि तर्ज लिख रहे हैं, गौण बिरादरी में गीत लोग गावत ही कैसे मास्टर गौण बिरादरी में गीत बड़ा बढ़िया से गावत ही कहे बदाना महो का चरवा बदाना टूटे जैसे झंखा गाड़ी वनमा बसूला के टूटल लोहा अरे भीड़ भवत जो बना
सिगारा कजरवा बदनाम हो गुरुजी के भोजन वोजन प्यार से कराए के दोनों प्राणी घर के बगल में एक कोठरी आश्रम में गुरुजी के आश्रम ही कोठरी में दे दिया गया। तख्ता पे गुरुजी संसा बगल में गोनरी बिछाए सोवत है। लेकिन दोस्त देखे कहना है कैसा धू सो वाले कोठरिया प्रेम से गुरुजी अपने कोठरी में सोए रहे हैं। लेकिन देखा गीता उच्चलनिया के गुरु के प्रति नियत खराब है। करती है क्या रतिया में गोरी कैली गड़ा बरछा में लावा अरे खुटवा से खोल दी है दहीना पयलावा साधु सो वाले को खरिया दोनों प्राणी ए बाबू अंगनैया में लेटा है दरवाजा बंद करके। लेकिन दुल्हन वह गीता सोच रही है कि गुरु से कैसे मुलाकात हो। सकरी खोल के बाहर निकलता तो देखस मकर की गैया का बछौना ललका तैयार बै। कहा गया है क्रिया चरित्रम दैयो न जानम खूंटा से पगहा छटकाए दिहेस खियावा पियावा बछवा भगा लज नारे खोरे भागता। लेकिन एहर गीता जाए के अपने दुल्हा से कहत है कि खर्राटे बजाऊ बजाऊ बा कि बछवा तोराय लेहे बा। कहना है कब भागे सोम पालया अपन लठिया उठाई जानिया अपन चेहरा सजाई अरे गिराई दिहली गुरुवर के ऊपर बिजुलिया साधु सोवल को सोमपार सोमपाल हुरादार लाठी लिए कान्हे पर बछवा खेदत हैं एहर नारे खोरे। लेकिन दुल्हनिया गीता चेहरा सजाई के एकदम फैशनेबल में बखरी के शहर देवाली डाम के कहां जहां गुरु लेटा हैं दरवाजा खोला था गुरु दाता तो परमात्मा के भक्ति में लीन है उनसे माया मोह से कोई मतलब नहीं। लेकिन चलनिया जाता अजब गुरु का पैर
ढाई के जाके छोरा था। जब गुरु उठत हैं देखत हैं, एक लाइन तर्ज बात, अखिया भरी भरी दे कजरा, मर पर सबकी वरिया नजरा, कोई का करिए। ए बाबूजी, उस चेलनिया मस्त है, गुरु से कह क्या रही है, गोरा गोरा हमरा गलवा, गोरा गोरा हमरा गलवा, काटा फोकट में तू मलवा, कोई पाप नहीं खे। जवानी के उमंग मस्त है चेलन बाबा, लेकिन गुरु नींद खुला था तो संसार टोवत है कमंडल, लेकिन चेलन कह रहे थे, एक बार मुह गले लगावा, जन्न सैर कराऊंगी, जन्न सैर कराऊंगी। देखा सीने पर का भलवा, देखा सीने पर का भलवा, तोरा अपन कंठी मलवा, कोई पाप नहीं, ओ कोई पाप। महात्मा का सारी मशीन हड़हड़ाएगा, अरे बाप रे बाप, संसार टोवत है, होता है क्या। बोले साधु नारी से अब सुंदरी बहन सुना, अरे बेटी जैसी चेलन होती, जाग जाई धर्म नशा। ए बाबूजी, महात्मा कह रहे हैं कि बेटी की जैसे चेला का दुल्हन है, बाबूजी तुम मेरी बेटी के समान है। महात्मा कितनी बढ़िया वाणी बोल रहे हैं, एकदम पहुंचे हुए महात्मा सिद्धि पुरुष थे, लेकिन कभी को एक लाइन तर्ज लिखना पड़ा। अरे बोला जिनी बोला, अरे बोला जिनी बोला, पपिहरा हरिक बोला जिनी बोला, चढ़ता जवनिया जवनिया
लेकिन दोस्त वह जवानी के उमंग में चेलन कह रही है गुरु से, कह लूटा है बाबा, अरे लूटा है बाबा, ने बुलावा का मजा लूटा, जुलमी जवानी अंग अंग डराए, अरे साचे में धार हमें रब ने बनाए, अरे बठवा शराबी कहा झूठा है बाबा ने बुलावा कर मजा महात्मा। उछाल मार के कोठरी से बाहर खड़ा होते, तुम मेरी बेटी के समान हो, हमारे शिष्य की नारी हो, मेरी बेटी के समान हो, मैं अधर्म नहीं कर सकता, पाप होगा मुझे, मेरे दोस्त कवि को तेरी के भाव लिखना पड़ा। अरे राम तरुराई में मुरझाई जा कली, अरे तपन के सावन बरसाता लगिया बुझाई, तरुराई में मुरझाई जा कली, मेरे दोस्त चेलन जब देख लिया गीता कि गुरु हमरे माया जाल में फंसे वाले नहीं, मेरे दोस्त कोठरी से बाहर निकलता, कहा था गुरु जी क्षमा करे, अब हमें अपने स्थान पर जाय चाहता है लेकिन जाई कैसे। गुरु बोले बेटी एक सहारा कर सकता हूं, दीवाल से सट के हम खड़ा हो थे, हमारे कंधा पे चढ़ के चहर दिवाली डांग लिया। मेरे दोस्त कहना है, अरे क्रोध में बोले लागे तब मुनिराई प्यारी बेटी हो, अब तुहरे साथ कैसे धर्म नसाई प्यारी बेटी हो, और शिष्य का नारी हो, इन्हें लखे पाप लगेला, हो पातक भारी हो, अरे कैसे गई पनिया पीछे आग लगाई प्यारी लगाई प्यारी, दाग पामन दामन में लग जाई प्यारी बेटी हो, कंधे ऊपर बिठा के उसको दिए दीवाले डकाई हो, अधर्म बचा के बाबा अपन रहिया लिए, दिवाली से जब संत के बाबा जी खड़ा हो, वह गीता महात्मा का शरीर पकड़ के जब कंधा पर चढ़ता, बाबूजी जब बत्ती में मसाला न नुब तो बत्ती न जले, बाबूजी
नर और नारी की मुलाकात हुई, वह जवानी के उमंग में, वह जवानी के उमंग में नारी के शरीर से रज गिर गया, कहां मुनि के कंधा पर। अरे बाप रे बाप, मुनि का शरीरिया जले लगी जैसे आग। मुनि जी चल दिए कहां, अपने गुरु जी के यहां, विश्वानंद महाराज के यहां। ए बाबू जी, एहर चलनिया आपन अपमान समझ के विचार करता, इतनी बढ़िया हमार सकल सूरत, लेकिन एक महात्मा के आगे बेकार हो गई। शरीर जल रही है, धरती जल रही है, जब तक आसमान से बारिश न हो धरती शांत न हो। लेकिन वह नारी बगल में कुआं, शहर दिवाली डाक के कुआं में कूद गई नारी, बाबूजी डूब के वह मर गई। लेकिन दोस्त, सुखीदास अपने गुरु के पास पहुंचे थे, शरीर में सारा सुखीदास के कोढ़ हो गए बा, कोढ़ चुहता दुई लाइन आल्हा के भाव बा। रज कण गिरा जहा मुनि का बदनिया रे भैया, फूट गई ले कोढ़ तना मनवा लचा, कोढ़ी तना लैके अबले गुरु के शरणिया रे भैया। पनिया का पियासी रहल जब की धरतिया रे भैया, पन के पदरवा कहे कैला ना फुहा, हे बाबू। सुखीदास अपने गुरुजी के पास पहुंचे, चरण में माथा रखे, जब गुरुजी देखत है, अरे सुखीदास तेरे शरीर में कोढ़ कहा। हां गुरुजी, तब गुरुजी ने कहा कि मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, इसमें नहीं मुझाए का है, और दिल मत किसी के तोड़ो, बंदे घर खास खुदा का है। किसी के दिल के बात तोड़ देना यह भी पाप के समान होता है। लेकिन घोर गलती आपने किया सुखीदास, जो कि नारी के शरीर को छूना नहीं चाहिए। जल्दी से जाओ चेला, जल्दी से जाओ अपने चेला के भवन मारे भैया, अगवा का बतिया सुना हो मनला, कुआना में कूदी मर गई वो करे दुलहिया रे भैया, रोब स्वम पाल हो करे जावा के था, या ए बाबूजी। गुरुजी ने कहा कि जब धरती प्यासी है तो बदरा बन के बरस देते, तुम्हें पाप लग गया नारी के शरीर को छूने से, कोढ़ तब तक नहीं जाएगा जब तक वह नारी के साथ में रस विहार नहीं करेगा। ए बाबू, जब सुखीदास वापस भए, एक पैर आगे धरते हैं कि रस विहार करब तो कोढ़ कम होता, और सोचत है पाप लगे तो कोढ़ और बढ़ता। धीरे धीरे सुखीदास जब अपने चेला के गांव गए, गांव वाले देख के परेशान, जल के गांव वाले देख के परेशान, कुआं के अंदर गीता क्लास
उतराई बा, लेकिन देखें कहना है। अरे कुआना में कूद साधु तजले परनमा, शिव के मंदिर से आई आवाज बा, क्रोध में वह दुल्हन कुआं में कूदी और जल पिए मर गई उतरान बा। गांव वाले जुटा हैं कि भाई कारण का है कि कुआं में कूद के है गीता प्राण त्यागा, लेकिन तब तक जब महात्मा के देखे कहे यही महात्मा रात में आए रहा साधु, लेहे लाठी बांस लिहे लाठी बांस मुनि के दौड़ावे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोमपाल सच्चा भक्त गुरु का है, कहा नहीं गुरु जी को आदर के साथ आने दीजिए। अजब गुरु जी कुआं में देखत हैं चेलन के लाश, तो गुरु कंठी माला फेंक के कुआं में कूद गए। यहां जन्म में तोहरे इच्छा की पूर्ति न किया तो अगले जन्म में आपके इच्छा की पूर्ति होगी। विरह का अंतिम भाव, अब बगल में भोले बाबा का मंदिर आकाशवाणी हुई क्या, अरे आवाज शिव के मंदिर से आई वही घड़ी, तब से मैं हरी के करनवा मरा दवा मरी, महात्मा संसार झोली फेंक दिए और कुआं में कूद गए था पानी, कुआं में पानी पिए पेट भर मर के मुनि जी उतराए गए। ए बाबूजी देखें कुआं से लाश दोनों जन के एक साथ निकाली गई और दाह संस्कार किया गया, लेकिन भोले बाबा के मंदिर से यही आवाज आ रही है क्या, कहे जब तक ये धरती ऊपर अब कायम रही है दुनिया, अरे तब तक नारी बदे हुई है कुरबानिया, सतयुग द्वापर त्रेता में नारी मर्द के ऊपर फिदा होत रही है बाबूजी, लेकिन आज कलयुग युग में नारी के ऊपर मर्द फिदा होते हैं कि जब तक ये धरती ऊपर कायम रही है दुनिया, अरे तब तक नारी बने हुई है पूरा बनिया, काला सौदा जहवा हरे बैठी छोकरी, तब से मेहरी के करनवा मरा दवा मरी। गुरु की वचन मान करके सुखी दास कुआ में कूद गई। आज देखें जितना मर्द नारी के ऊपर आशिक हो रहे हैं फिदा हो रहे हैं, उतना नारी मर्द के ऊपर ना ही फिदा होती, कहना है। गुरुपंधारी स्वर्ग से कहते खत्म हुआ दसता, कबीर दुखी राम कहते यह भारत देश महान हो, कबीर दुखी भारत देश महान हो।
तरुणाई में मुरझाई जा कली। अरे तो गावे राजमनी पई गावे राजमनी मैया कैसी झुका।